देख के पाल विकल मोई बियसे तब रघुबीर बियसत ही मुख बाहिर है आयो सुन मति धीर। सोलर मुझे व्याकुल देखकर तब कृपालु से रघुवार जी हंसती है, हे धीर बुद्धि गरुड़ जी सुनिए। उनके हंसते ही में मुंह से बाहर आ गया, सोई लड़का ही मोसन करने लगे पुनि राम कोटि भांति समझा वो मन न लहे विश्राम। श्री रामचंद्र जी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लगे, मैं करोड़ों प्रकार से मन को समझाता था पर शांति नहीं पाता था। देख कचरित ये है सो प्रभुताई समझत देह दशा बिसराई धन्य परो मुख आवन बाता त्राय त्राय आर्त जन त्राता। यह चित्र देखकर और उस प्रभुता का स्मरण कर मैं बाल शरीर की शुद्ध भूल गया। मैं आर्तनाथ से रक्षा कीजिए पुकारता और पृथ्वी पर गिरता, मुख से बात नहीं निकलती थी। प्रेमा कुल प्रभु मोही बिलो की निज माया प्रभुता तब रो की कर सरोज प्रभु मम सिर धरे वो दीन रियाल सकल दुख हरे हो। तदंतर प्रभु ने मुझे प्रेम भीर होकर अपनी माया की प्रभुता का रोक लिया। प्रभु ने अपना कर कमल मेरे सर पर रखा, दीनदयालु ने मेरा संपूर्ण दुख हर लिया। कि न मोह राम मोहि मोह विगत मोहा सेवक सुखद कृपा संदोहा प्रभुता प्रथम विचारी विचारी मन मोह मोह होय अरसा ति भारी। सेवकों का सुख देने वाले कृपा के समूह श्री राम जी ने मुझे मोह से सर्वता रहित कर दिया। उनके पहले वाले प्रभुता को विचार विचार कर मेरे मन में बड़ा भारी हर्ष हुआ। भगत बछलता प्रभु के देह की उपजी ममूर प्रीति विशेषी सजल नयन पुलकित कर जोरी की न वो विधि विनय भोरी। प्रभु की भगत वत्सला देखकर मेरे हृदय में बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर मैंने नेत्रों में जल भरकर पुलकित होकर और हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से विनती की। सुनि स प्रेम मानी देख दीन निज दास वचन सुगत गंभीर मृदु बोले रमा निवास। मेरी प्रेमयुक्त वाणी सुनकर और अपने को दास को दीन देखकर रमा निवास श्री राम जी सुखदायक गंभीर और मधुर को कोमल वचन बोले। भागभूषणी मांग भर अति प्रसन्न मोहि जान अनमादिक सिद्धि अपर रिधि मोच सकल सुख खान। हे कागभूषणी जो मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांगा अणिमा आदि और सिद्धियाँ दूसरी रिद्धियाँ तथा संपूर्ण सुखों की खान मोक्ष ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना मुनि दुर्लभ गुण तेज गजाना आज देव सब संशय नाही मांग जो तो ही भाव मन भाई। ज्ञान विवेक और वैराग्य विज्ञान और वे अनेक गुणों के जो जगत में दुनिया के लिए दुर्लभ है ये सब मैं आश्रय दूंगा, इसमें संदेह नहीं है। नहीं जो जो तेरे मन में आवे सो मांग ले। सुनि प्रभु वचन अधिक अनुराग्य हो मन अनुमान करण तब लाग्य हो प्रभु कह देन सकल सुख है भक्ति अपनी देन न कही। प्रभु ने वचन सुनकर मैं बहुत ही प्रेम में भर गया। तब मन में अनुमान करने लगा कि प्रभु ने सब कुछ देने के लिए बात कही है ये तो सत्य है पर अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही। भक्ति ही न गुण सब सुख ऐसे लवन बिना बो व्यंजन जैसे भजन ही न सुख कवने का जा सबिचारी बोले खगराजा। भक्ति से रहे सब गुण और सब सुख वैसे ही है जैसे नमक के बिना प्रकार के भोग प्रकार के व्यंजन के पदार्थ है। भजन से रहे सुख किस काम के हैं हे पक्षीराज ऐसा विचार के मैं बोला। जो प्रभु प्रश्न वर देव मोह पर कृपा करो अन्येव मन भावत बल मांगो स्वामी तुम उदार और अंतर जामी। हे प्रभु यदि आप प्रश्न होकर मुझे वर देते हैं तो मुझ पर कृपा और स्नेह करते हैं तो हे स्वामी मैं अपना मन भाव बल मांगता